सो so बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और हमने टू साइडेड एरर्स किए थे तो इसके हम अब एग्जांपल्स करते हैं सो एग्जांपल वन रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स क्रेडिट सेल्स टू अरुण सेवन थाउजेंड हमने अरुण को सात हज़ार के गुड सेल करे हैं वर नॉट रिकॉर्डेड इसकी एंट्री ही नहीं करी बच्चों को मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल बताया था लास्ट वीडियो में ओमिशन हम एंट्री करना ही भूल गए हैं ओमिशन टू बी रिकॉर्डेड इन ओरिजिनल एंट्री जर्नल एंट्री हमने पास नहीं करी भूल गया है कौन अकाउंटेंट वो जर्नल एंट्री पास करना तो ये वही एग्जाम्पल है उसी का ही एग्जाम्पल है ये कि अरुण को हमने सेल्स करी है क्रेडिट सेल्स सात हज़ार की वर नॉट रिकॉर्डेड एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी अब कर दो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी वही एंट्री जो नहीं करी थी वो हमारी रेक्टिफाई एंट्री है अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सात हजार सात हजार क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ब्रिज से हमने उधार सामान खरीदा वर नॉट रिकॉर्डेड हमने एंट्री नहीं करी क्योंकि हमने एंट्री नहीं करी तो वो एंट्री अप कर देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है जितनी भी हम एंट्री कर रहे हैं बच्चों ये रेक्टिफाई एंट्री है गुड्स रिटर्न टू चारू फोर थाउजेंड वर नॉट रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न चारू को हमने चार हजार के गुड्स वापस किए हुए चारू को रिटर्न टू तो बच्चे कौन सा रिटर्न ये परचेज रिटर्न यानी कि हमने चारू से परचेज किए थे अब चारू को रिटर्न कर रहे हैं गुड्स रिटर्न टू चारू चारू को चार हजार के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं और यह एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं करी तो यह परचेज रिटर्न की एंट्री हुई बच्चों परचेज जब हमारा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है बच्चों क्रेडिट होता है तो एंट्री क्या बनी चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ये एंट्री हमने पास करी नहीं, नहीं करी तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे इसको पास कर दो एंट्री को दोबारा कर दो चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका वन थाउजेंड वर नॉट रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका दीपिका से गुड्स वापस आए हैं दीपिका ने गुड्स वापस करे हैं मतलब हमने दीपिका को गुड्स बेचे थे दीपिका यानी कि हमारी कस्टमर है दीपिका को सामान बेचा था और वो सामान बिका हुआ सामान दीपिका हमें वापस कर रही है तो यानी कि ये सेल रिटर्न की एंट्री है ये और सेल्स का बैलेंस क्या होता है बच्चों क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है डेबिट तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा दीपिका क्रेडिट हो जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका तो ये कौन सा केस था ओमिशन ऑफ एंट्री एंट्री को जो रिकॉर्ड करना हम भूल गए थे तो उसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी उस एंट्री को आप रिपीट कर दो वही एंट्री दोबारा कर दो जो आपने नहीं करी थी इसका आप सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों क्रेडिट सेल्स टू अरुण अरुण को समान बेचा सात हजार का राइट वर रिकॉर्डेड एज सात सौ हमने एंट्री करी सात सौ से अब पहले तो आप जर्नल बनाओ अरुण को सामान बेचा एंट्री क्या बनेगी अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये हमारी करेक्ट एंट्री है बच्चों ये सेल्स की एंट्री है अरुण को समान बेचा सात हजार का और गलती से हमने एंट्री कर दी सात सौ से बच्चों सिक्सटी थ्री हंड्रेड से ये एंट्री कम से करी है पूरी एंट्री सात हजार से कर दी है हमने सात हजार से करनी थी हमने एंट्री कर दी सेवन हंड्रेड से यानी कि सिक्सटी थ्री हंड्रेड से ये एंट्री कम करी है तो क्या करेंगे यही एंट्री सिक्सटी थ्री हंड्रेड से दोबारा कर दो अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सिक्सटी थ्री हंड्रेड क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ब्रिज से सामान परचेज करा 9000 हजार का वर रिकॉर्डेड एज एंट्री कर दी 900 से नौ हजार का सामान खरीदा उधारा और नौ से एंट्री कर दी कम से करी है एट्टी वन हंड्रेड रुपीज से कम एंट्री करी है तो यही एंट्री बच्चों इक्यासी सौ से दोबारा कर दो तो एंट्री क्या बनेगी परचेज की एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज एट्टी वन हंड्रेड एट्टी वन हंड्रेड जब बच्चों कम अमाउंट से एंट्री करते हैं तो जितने अमाउंट से कम एंट्री करी है उतने अमाउंट से उस एंट्री को दोबारा कर दो वो हमारी रेक्टिफाई एंट्री होती है गुड्स रिटर्न टू चारू चारू को गुड्स वापस कर रहे हैं हम चार हज़ार के और हमने वह हमने एंट्री कर दी चार सौ से छत्तीस सौ रुपए कम से एंट्री करी है यही एंट्री थर्टी सिक्स हंड्रेड से दोबारा रिपीट कर दो अब गुड्स रिटर्न टू चारू परचेज रिटर्न की एंट्री है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है तो एंट्री क्या बनेगी चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न थर्टी सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका एक हज़ार दीपिका से गुड्स वापस आ रहे हैं सेल रिटर्न की एंट्री है दीपिका वापस कर रही है दीपिका से एक हज़ार के गुड्स वापस आए वर रिकॉर्डेड एज हंड्रेड और हमने हंड्रेड रुपीज से एंट्री कर दी नौ सौ रुपये से कम रिकॉर्ड करी है एंट्री नौ सौ रुपये से कम इट मीन्स यही एंट्री दोबारा रिपीट कर दो नौ सौ रुपये से देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड तो बच्चों जब हम कम अमाउंट से रिकॉर्डिंग करते हैं तो उत, जितने अमाउंट से कम रिकॉर्डिंग करी है उतने ही अमाउंट से उस एंट्री को दोबारा कर दो तो वो हमारी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स क्रेडिट सेल्स टू अरुण अरुण को समान बेचा सात हजार का वर रिकॉर्डेड एज सेवेंटी टू हंड्रेड यहाँ देखो बच्चों सात हज़ार का सामान बेचा था और को गलती से हमने ज़्यादा अमाउंट से एंट्री कर दी जब आप ज़्यादा अमाउंट से एंट्री करते हो तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी बच्चों जो क्रेडिट का अकाउंट था वो डेबिट हो जाएगा डेबिट वाला अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अब पहले आप सिंपल एंट्री देखो क्रेडिट सेल्स टू अरुण हमारी एंट्री क्या बनती है अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेकिन ज्यादा अमाउंट से हो गई है तो हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी जैसे हमने एंट्री करी है अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स ठीक है तो क्या हो जाएगा ज्यादा अमाउंट से कर दी है एंट्री रिवर्स हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण ये देखो सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण लेकिन अमाउंट कौन सा रहेगा डिफरेंस अमाउंट यानी कि टू हंड्रेड जब हम गल, जब हमने क्या गलती कर दी है हमने बच्चों ज़्यादा अमाउंट से जब हम एंट्री पास करते हैं तो क्या होता है हम डिफरेंस अमाउंट से एंट्री करते हैं लेकिन एंट्री रिवर्स हो जाती है डेबिट वाला अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट वाला डेबिट क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ब्रिज से हमने सामान खरीदा नौ हज़ार का और वर रिकॉर्डेड एज नाइन्टी नाइन हंड्रेड समान खरीदा 9000 का एंट्री कर दी 9900 की फिर ज्यादा से कर दी है एंट्री रिवर्स हो जाएगी पहले हम सिंपल एंट्री बनाएंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू तो ब्रिज क्योंकि ज्यादा अमाउंट से कर दी है एंट्री रिवर्स हो जाएगी ब्रिज अकाउंट डेबिट टू तो परचेजेस डिफरेंस अमाउंट कितने ज्यादा अमाउंट से एंट्री कर दी है 900 से गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 चार चारू को हमने सामान वापस करा है चार हज़ार का वर रिकॉर्डेड एज फोर थाउजेंड फोर्टी चार हज़ार का सामान वापस करा है हमने एंट्री कर दी है चार हजार चालीस यानी कि चालीस रुपए से ज़्यादा एंट्री कर दी है ज़्यादा कर दी है एंट्री को रिवर्स करेंगे पहले सिंपल एंट्री बनाओ चारों अकाउंट डेबिट टू तो परचेज रिटर्न ज़्यादा अमाउंट से हो गई है उल्टा कर दो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू कितना डिफरेंस अमाउंट और डिफरेंस अमाउंट कितना है चालीस रुपए गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका दीपिका ने गुड्स वापिस करे हैं एक हजार के सेल रिटर्न की एंट्री है वर रिकॉर्डेड एस सिक्सटीन हंड्रेड एक हजार का सामान दीपिका से वापिस आ रहा है हमने एंट्री कर दी है सोलह सौ रुपए से अगेन एक्सेस अमाउंट से एंट्री कर दी है एंट्री रिवर्स होगी पहले सिंपल बना लो सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका अब क्योंकि एंट्री को रिवर्स कर दो डेबिट टू से छ सौ तो ये कौन सा क्वेश्चन करा बच्चों हमने जब ज्यादा अमाउंट से हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं तो वो एंट्री क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी डिफरेंस वाले अमाउंट से लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल रेक्टिफाई द फॉलोइंग एर क्रेडिट सेल्स टू अरुण अरुण को हमने क्रेडिट सेल्स करी सात हजार की गुड्स बेचे वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक ये डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चो अरुण को सामान बेचा ये सेल्स की एंट्री है और हमने गलती इसके इसको परचेज बुक में कर दिया तो बच्चों यदि आप सोल्यूशन देखोगे तो डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बनी हुई है ये आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको इसका प्रॉपर प्रोसीजर बताती हूँ हमने सामान बेचा उधार पे सात हज़ार का और एंट्री कर दी परचेज बुक में ये देखो बच्चों करेक्ट एंट्री जो करनी चाहिए थी अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अरुण टू सेल्स ये करेक्ट एंट्री है सात का सामान बेचा और रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास कर दी हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड एंट्री ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री है हमने क्या एंट्री पास करी वो ये है जो कि रॉन्ग एंट्री थी हमने परचेज बुक में डाल दी अब ये जो गलती करी है बच्चों ये गलती करी है इसको रेक्टिफाई करना है गलती को सुधारना है तो क्या करेंगे बच्चों देखो ये गलत है ये आपको अच्छे से पता ये पूरी एंट्री गलत है परचेज अकाउंट ओपन ही नहीं होना था परचेज को गलती से डेबिट करे अरुण को क्रेडिट करना ही नहीं था अरुण को तो डेबिट करना था अब जो ये एंट्री गलत करी है ना इसको रिवर्स कर दो प्लस फाइव है इसको खत्म करने के लिए माइनस फाइव करेंगे ना प्रचेज को गलती से डेबिट करे क्रेडिट कर दो सात हजार से अरुण को हमने क्रेडिट करे सात हजार से इसको डेबिट कर दो ये पूरी एंट्री गलत है इसी को तो सुधारना है हमने तो इसको करेक्ट करने के लिए रिवर्स कर दो ये देखो अरुण को डेबिट अरुण को गलती से क्रेडिट कर दिया सात हजार से अरुण को डेबिट कर दो हजार से परचेजेस को गलती से डेबिट करें परचेजेस को सही करने के लिए परचेज को सात हजार से क्रेडिट कर दो ये लो ये भी कर दिया ये तो ये है और जो नहीं किया था बच्चों अरुण को हमने डेबिट किया ही नहीं था सात हजार से वो अब कर दो देखो जो ये अरुण हमने गलती से क्रेडिट किया था इस अरुण की बात कर रही हूँ जो गलती वाला अरुण है इस अरुण को हमने गलती से क्रेडिट किया था इस ये गलती को ठीक करने के लिए हमने अरुण को डेबिट करा सात हजार से ये तो ये गलती सुधर गई है ये जो एक्चुअली अरुण डेबिट करना था वो किया ही नहीं अरुण को डेबिट कर दो अरुण अकाउंट डेबिट सात हजार राइट सेल्स क्रेडिट की ही नहीं थी हमने तो अरुण को क्रेडिट कर दिया था सेल्स को अब क्रेडिट कर दो टू सेल्स अकाउंट सात हजार अब देखो बच्चों अरुण डेबिट अरुण डेबिट ये दो बार लिखने के बजाय सीधा ही हम अरुण डेबिट फोर्टीन थाउजेंड कर देंगे तो एंट्री क्या बनी हमारी अरुण अकाउंट डेबिट फोर्टीन थाउजेंड टू परचेज अकाउंट सेवन थाउजेंड टू सेल्स अकाउंट सेवन थाउजेंड ये हमारी बच्चों क्या बनी है रेक्टिफाई एंट्री है एक दोबारा एंट्री करते हैं इसके जैसे से क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ब्रिज से सामान खरीदा 9,000 हजार का ये परचेज की एंट्री है वर रिकॉर्डेड इन सेल बुक हमने गलती से सेल बुक में कर दी थी परचेजेस की सेल बुक में कर दी नौ हज़ार अब देखो बच्चों करेक्ट परचेज की एंट्री थी एंट्री क्या करनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज रॉन्ग एंट्री हमने क्या करा सेल के सेल बुक में एंट्री कर दी हमने कर दिया ब्रिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये गलत एंट्री है ये हमारी गलत एंट्री है रेक्टिफाई करो रेक्टिफाई एंट, ये एंट्री टोटल गलत है इसको रिवर्स कर दो सेल्स को क्रेडिट किया नौ हजार सेल्स को डेबिट कर देंगे हम नाइन थाउजेंड से डेबिट किया ब्रिज को क्रेडिट कर देंगे नौ हजार से ये लो अब जो एक्चुअल में नहीं किया वो करो परचेज अकाउंट डेबिट किए ही नहीं थे हमने क्योंकि हमने तो ब्रिज को डेबिट कर दिया था गलती से तो परचेज को अब डेबिट कर देंगे यहां ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो एक ही बात है परचेजेस अकाउंट डेबिट नौ हजार ब्रिज को क्रेडिट किया ही नहीं था हमने तो सेल्स को क्रेडिट किया था ये जो बच्चों ब्रिज क्रेडिट किया है ध्यान से देखो ये ये वाला ब्रिज जो गलती से डेबिट किया था इसको करेक्ट करने के लिए हमने क्रेडिट करा है जो ये वाला ब्रिज था जो एक्चुअल में क्रेडिट करना था वो तो किया ही नहीं अब कर देंगे टू ब्रिज नौ हज़ार अब टू ब्रिज नौ हज़ार टू ब्रिज नौ हज़ार नहीं करेंगे सीधा अमाउंट ऐड कर देंगे टू ब्रिज एटीन थाउजेंड तो ये हमारी बच्चों क्या हुई है रेक्टिफाई एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अठारह हज़ार ये देखो परचेज डेबिट आठ नौ हज़ार सेल्स अकाउंट डेबिट नौ हजार टू ब्रिज अट्ठारह हजार गुड्स रिटर्न टू चारू चारू का सामान वापिस करा चार हजार का ये परचेज रिटर्न की एंट्री है वर रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक है परचेज रिटर्न की एंट्री हमने सेल रिटर्न बुक में कर दी है तो इसको करो स्टार्ट परचेज रिटर्न की एंट्री है चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ये करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए थी हमने कर दी सेल रिटर्न बुक में हमने जो रॉन्ग एंट्री क्या पास करी हमने सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू कर दिया आपको पता है सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है अब इस ये एंट्री गलत कर दी है सेल रिटर्न की एंट्री थी नहीं एंट्री तो परचेज रिटर्न की थी तो ये एंट्री गलत है इसको करेक्ट करने के लिए पहले तो इसको रिवर्स कर दो चारू क्रेडिट था चारू को डेबिट कर दो सेल रिटर्न डेबिट है सेल रिटर्न को क्रेडिट कर दो ये लो बच्चों हम मैं रेक्टिफाई कर रही हूँ उस एंट्री को चारो क्रेडिट है इसको मैंने डेबिट कर दिया चार हजार से सेल रिटर्न को डेबिट किया था चार हजार से सेल रिटर्न को क्रेडिट कर दो चार हजार से ये जो गलती की थी वो हमने करी है सुधारी अभी तो जो नहीं किया था वो करो परचेज रिटर्न की एंट्री थी परचेज रिटर्न का खाता ही नहीं खोला था हमने परचेज रिटर्न क्रेडिट किया ही नहीं था अब करेंगे परचेज रिटर्न को क्रेडिट टू परचेज रिटर्न चार चारू को डेबिट नहीं किया था मैडम कर तो दी है इसको सही करने के लिए हमने ये चारू डेबिट करा ये गलती सुधरी है जो एक्चुअली चारू था इसको तो हमने डेबिट किया ही नहीं था वो अब कर देंगे चारू अकाउंट डेबिट फोर थाउजेंड तो डबलिंग नहीं करेंगे अमाउंट डबल कर देंगे चारू डेबिट चारू डेबिट नहीं करेंगे चारू डेबिट आठ हजार कर देंगे तो ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बनी है चारू अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न टू परचेज रिटर्न चार हजार चार हजार ये देखो चारू अकाउंट डेबिट आठ हजार टू सेल रिटर्न फोर थाउजेंड टू परचेज रिटर्न फोर थाउजेंड नेक्स्ट एंट्री देखो गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका दीपिका से गुड्स वापस आए हैं एक हज़ार के सेल रिटर्न की एंट्री है वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक हमने गलती से परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी है सेल रिटर्न की हमने परचेज रिटर्न में कर दी है सेल रिटर्न की एंट्री है बच्चे तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका हमने गलती से परचेज रिटर्न बुक में कर दी हमने एंट्री कर दी दीपिका अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ये रॉन्ग एंट्री है ये गलत एंट्री हमने एक्चुअली ये करनी चाहिए थी हमने ये पास कर दी तो अब हम क्या करेंगे ये एंट्री बिल्कुल गलत है इसको करेक्ट करने के लिए इसको रिवर्स कर दो परचेज रिटर्न क्रेडिट है परचेज रिटर्न को बच्चों डेबिट कर दो परचेज़ रिटर्न अकाउंट डेबिट एक हज़ार दीपिका क्रेडिट है एक हज़ार दीपिका डेबिट है एक हज़ार से दीपिका को क्रेडिट कर दो एक हज़ार से ये लो ये जो रॉन्ग एंट्री है इसको हमने ठीक कर दिया अब जो नहीं किया था वो करेंगे क्या सेल रिटर्न की एंट्री थी सेल रिटर्न का तो अकाउंट ही ओपन नहीं किया था क्योंकि हमने तो परचेज रिटर्न बुक में डाल दी थी तो सेल रिटर्न को डेबिट नहीं किया था वो अब कर देंगे बच्चों सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट ये लो दीपिका क्रेडिट की नहीं थी अब कर देंगे अब हो मैडम कर तो दिए ये ये वाली दीपिका जो गलती से डेबिट की थी इसको करेक्ट करने के लिए क्रेडिट करें लेकिन जो एक्चुअल दीपिका क्रेडिट करनी थी वो की नहीं अब कर दो टू दीपिका वन थाउजेंड तो डबल नहीं करेंगे टू दीपिका टू दीपिका नहीं सिर्फ अमाउंट हम प्लस कर देंगे तो ये हमारी बच्चों रेक्टिफाई एंट्री है आंसर मार्क्स आपको इस एंट्री के मिलने हैं परचेज रिटर्न डेबिट सेल रिटर्न डेबिट टू दीपिका ये देखो परचेज रिटर्न डेबिट एक हज़ार सेल रिटर्न डेबिट एक हज़ार टू दीपिका बुक में जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री मिलेगी तो एक्चुअली प्रोसीजर ये है इससे आपकी एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी तो बच्चों लास्ट लेते हैं गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा अगेन सेल रिटर्न की एंट्री ईशा से सामान वापिस आ रहा है दो हज़ार का सेल रिटर्न की एंट्री है वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक सेल रिटर्न की एंट्री परचेज बुक में कर रहे हैं करो स्टार्ट करेक्ट एंट्री सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा ये एंट्री पास करनी चाहिए हमें हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी रॉन्ग एंट्री क्या करी परचेज अकाउंट डेबिट टू ईशा परचेज बुक में एंट्री कर दी तो ये एंट्री बच्चों रॉन्ग है अब एक चीज देखो यहां पर ध्यान से देखो करेक्ट एंट्री में ईशा क्रेडिट करनी चाहिए थी बिल्कुल और रॉन्ग एंट्री में देखो हमने ईशा को क्रेडिट ही करा है क्रेडिट वाले अकाउंट में बच्चों गलती है ही नहीं ईशा को क्रेडिट करना था दो हजार से और गलती से हमने ईशा को क्रेडिट कर भी दिया है यानी कि इस अकाउंट क्रेडिट वाला अकाउंट है जो ईशा का अकाउंट है इसमें तो गलती ही नहीं है क्रेडिट करना था ईशा को दो हजार से और कर भी दिया है। अब गलती क्या है परचेज का तो अकाउंट खोलना ही नहीं था गलत डेबिट करे इसको खत्म करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दो परचेजेज अकाउंट क्रेडिट ये दो हजार से क्रेडिट हो गया एंट्री थी सेल रिटर्न की सेल रिटर्न को डेबिट किया ही नहीं अब कर दो सेल रिटर्न रिटर्न को डेबिट डेबिट अकाउंट हजार बहुत अच्छा है पहले आप करेक्ट एंट्री लिखो जो करनी चाहिए थी फिर आप रॉन्ग एंट्री लिखो जो हमने कर दी गलती से जो हमारी एरर हुई है वो वाली एंट्री फिर इन दोनों को कंपेयर करके हम रेक्टिफाई एंट्री करेंगे यदि आप डायरेक्ट करोगे तो उससे गलती होने की पॉसिबिलिटी रह जाती है बच्चों आप ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगी और मार्क्स आपको सिर्फ इसी रेक्टिफाई एंट्री के मिलेंगे